नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जिस दिन भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान हुआ उसी दिन एक इतिहास भी रचा जा रहा था और इतिहास रच रहा था हरियाणा का एक लाल। जब वानखेड़े स्टेडियम में चीफ सिलेक्टर एमएसके प्रसाद टेस्ट, वनडे और टी20 टीम का ऐलान कर रहे थे और बारी बारी से क्रिकेट खिलाड़ियों का नाम ले रहे थे, उसी नाम में एक नाम पढ़ा गया और वो नाम था नवदीप सैनी का। टी20 इज लाइक दिस, विराट कैप्टन, शिखर धवन, रोहित शर्मा वाइस कैप्टन, केएल राहुल, मनीष पांडे, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, कृणाल पांड्या, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, आर डी चहर, भुवनेश्वर कुमार, कलील अहमद, दीपक चहर एंड नवदीप सैनी। हाँ, नवदीप सैनी की बात करें, लेकिन उससे पहले नवदीप के बारे में बता दें जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। दरअसल नवदीप सैनी की पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत ही दिलचस्प है। दादा करम सिंह महान स्वतंत्रता सेनानी और आजाद हिंद फौज के नेता सुभाष चंद्र बोस के ड्राइवर थे। नवदीप सैनी के दादाजी की उम्र लगभग 100 के पार है, जो देश की आजादी के लड़ाई में भाग ले चुके हैं। नवदीप के दादाजी क्रिकेट के बारे में कम जानते हैं, लेकिन अपने पोते को टीवी पर खेलता देख काफी खुश रहते हैं। जिस दिन टीम का ऐलान हुआ उस दिन भी पोते का नाम सुनकर फूले नहीं समा रहे थे। नवदीप के पिता ने अपने बेटे को क्रिकेटर बनने के लिए काफी मेहनत की और कम सैलरी होने के बावजूद भी अपने बेटे को कभी भी निराश नहीं होने दिया और क्रिकेट में आगे बढ़ाने के लिए कदम से कदम मिलाकर चलते रहे और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। मेहनती नवदीप सैनी ने अपनी इस छोटी सी जिंदगी में उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं। सिलेक्ट होने के बाद भी अपने करियर को परवान चढ़ाने वाले गौतम गंभीर को नहीं भूले। मीडिया से बात करते हुए कहा, गौतम गंभीर ने काफी मदद की है और हमें समझाते हुए कहा था कि जो हो रहा है होने दो, हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए और हमेशा लक्ष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो 26 साल के नवदीप सैनी की गिनती मौजूदा समय में तेज गेंदबाजों में होती है और उनकी स्पीड 140 किलोमीटर से ज्यादा की है। हाल ही में इंडीज के खिलाफ भारत की तरफ से खेलते हुए एक वनडे में 5 विकेट लिए थे। जो भी हो, दादा ने तिरंगे का मान बढ़ाया और अब पोते को मौका मिला है। हम आशा करते हैं कि पोता भी देश का मान आगे बढ़ाएगा। क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। I'm starting with, as you're aware, that we have 3 T20s and 3 ODIs and couple of test matches. So I'll start with that sequence. T20 is like this. Virat, captain. Shikhar Dhawan. Rohit Sharma, vice captain. KL Rahul. Manish Pandey. Shreyas Iyer. Rishabh Pant. Krunal Pandya, Ravindra Jadeja, Washington Sundar, R.D. Chahar, Bhuvneshwar Kumar, Kalil Ahmed, Deepak Chahar and Navdeep Saini. Are you done? T20 side. Yeah. Okay. This is the ODI side. Virat Kohli, captain. Rohit Sharma, vice captain. Shikhar Dhawan. KL Rahul. Shreyas Iyer. Manish Pandey, Rishabh Pant, Ravindra Jadeja, Kuldeep Yadav,
युजवेंद्र चहल, केदार जाधव, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद एंड नवदीप सैनी.